हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला होगा टेस्ट के बारे में कुछ, तो वो तो होगा ही। ये मंथ के लास्ट वीक में सारा कुछ होगा। जैसे मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स का फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा, रिप्रोजेनेटिक्स। एक्चुअली ये हो चुका है, ये मैंने फ्रेम कर दिया, बस अपलोड करना। अब फिजिकल का बनाऊंगा, मैकेनिक्स का बनाऊंगा और डाल दूंगा, तो थोड़ा इसलिए टाइम चाहिए। और वीक के लास्ट सॉरी मंथ के लास्ट वीक में आएगा, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना और कोशिश करना 100% लाने का। एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसा कोशिश करना, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसान है। प्लस आपका मॉक टेस्ट आएगा, मॉक टेस्ट में क्या होगा, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा रहेगा उसमें, ठीक है। और फुल रहेगा, फुल सिलेबस, सारा फुल सिलेबस। अब 30 अक्टूबर वाला बोलोगे कि अभी फुल सिलेबस कैसे, तो जब मन करेगा यार तब दे देना, कौन सा ऐसा है कि इसी दिन देना, बस अपलोड हो जाएगा उस दिन। पर जो ड्रॉपर्स हैं वो उसी दिन देंगे, जिस दिन अपलोड होंगे उसी दिन दे देना, क्योंकि डिसिप्लिन में अगर रहोगे और डिसिप्लिन में पढ़ाई करोगे तो पक्का कुछ ना कुछ होगा, तो वो अच्छा ही होगा। बाकी यार जब मन करे तब दे दिया, जब भी ऐसा करे तो वो नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ा, आप क्लास 12th वाले स्टूडेंट को क्या मालूम, 11th का भूल ही गए होंगे, 12th का अक्टूबर तक क्या खत्म होगा, नहीं हुआ होगा बहुत कुछ, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह मान लो बचा हुआ होगा, ऐसा बहुत कुछ है, तो उनका समझ में आता है, बाकी ड्रॉपर्स का समझ में नहीं आता। तो एक बार शेड्यूल देख लो और ये शेड्यूल लिख करके अपने स्टडी टेबल पे लगा देना, जहाँ पे भी पढ़ते हो उसके सामने लगा देना कि इस दिन तक मेरा सारा कुछ हो जाना चाहिए, मतलब इतना हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 7 जैन, 10 फेब, 11 मार्च, 30 मार्च, 4 अप्रैल, 11th अप्रैल, 18th अप्रैल और 25th अप्रैल। अप्रैल में हर एक संडे को आपका एग्जाम है, ठीक है, सारा संडे है ये 2021 का। और कहाँ पे डलेगा ये बता देता हूँ, ये टेलीग्राम पे डलेगा। और फिर से बोलता हूँ, पिछले में भी बोला था कि प्लीज़ नेम थोड़ा सही करेक्ट फॉर्म में लिखना और थोड़े डिसिप्लिन वे में रहो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 200 स्टूडेंट्स इसमें इनरोल होंगे। ये जो टेस्ट होगा सारा कुछ होगा, सिर्फ और सिर्फ 200 को मिलेगा, उससे ज़्यादा फिर नहीं, प्राइवेट हो जाएगा वो चैनल टेलीग्राम का, तो उनको लेने दिया जाए जिनको चाहिए ये सारा कुछ, ठीक ना। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट है पिछले में भी बताया था जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते, और अभी का तो जो सिचुएशन है वो तो धंधा बन रखा है। स्टडी और एडुकेशन जो है ना वो पढ़ाई अब नहीं रह गया, अब मतलब वो क्या बिजनेस बना दिए इसे, तो इसलिए ये करने दो। और बात रहा है ये सारा टेस्ट का, फोड़ दोगे, ठीक ना, इतना कर लो नीट में फोड़ दोगे पक्का। और यही बच रहा था सिर्फ और सिर्फ PIP का, अगर कुछ छूट रहा था तो सिर्फ टेस्ट छूट रहा था। एक्चुअली होता क्या था, इसका टेस्ट दे रहे हैं, उसका टेस्ट दे रहे हैं, इन्होंने ये डाल दिया, उन्होंने ये डाल दिया, क्या ये क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा टफ है वैसा टफ है। अब होगा कि हाँ ये कर लो, ये डाला, ये क्वेश्चन कर लो, ये आएंगे, इस पर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जा सकता है खुद पे। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर